बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष कार्यक्रम फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि यूनिवर्सिटीज भी अब क्या राजनीति का अड्डा बन चुकी हैं, या फिर जैसा कि आरोप लग रहा है खासतौर पर जामिया यूनिवर्सिटी और JNU को लेकर के कि देश विरोधी वहां पर नारे लगाए जाते हैं। इसी बीच में हवा इस मामले को और तेज तब मिल गई जब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को 10% आरक्षण दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर दे दीजिए, हम वहां जाकर के सुधार देंगे। कल दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, CA को लेकर के सत्ता पक्ष की आवाज जनता तक पहुंचाई जा रही थी, और इसी बीच में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ये बातें कही। अब सवाल यह है कि अब मामला सुधारने से लेकर के 10% आरक्षण और इस अंदाज में यूनिवर्सिटीज को सुधारने की बातें कही जा रही है, जाहिर तौर पर इस पर हंगामा होना बहुत ही स्वाभाविक है। और ऐसे में हम फेस टू फेस में आज चर्चा करेंगे दो खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद होंगे और दोनों से समझने की कोशिश करेंगे ये किस किस्म की प्रवृत्ति की शुरुआत हो रही है और इससे आगे आने वाले वक्त में क्या माहौल बेहतर होगा या फिर इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा मामला खराब होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मनोज पंडित जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में दूसरे खास मेहमान है कांग्रेस पार्टी के नेता शुभांशु शेखर जी। बयान से गरमाई सियासत, JNU और जामिया का बताया इलाज, पश्चिमी यूपी को 10% आरक्षण दे दो, सबका इलाज कर देंगे। जब से नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है तब से देश के दो बड़े विश्वविद्यालय JNU और जामिया सुर्खियों में बने हुए हैं। ये दोनों शिक्षा संस्थान लगातार आरोपों के घेरे में हैं। राष्ट्रवाद का परचम लहराने वाले JNU और जामिया को राष्ट्र विरोधी तत्वों का गढ़ मानते हैं। मौजूदा दौर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में इन दोनों संस्थाओं के छात्र बड़ी तादाद में शामिल हैं। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री संजीव बालियान ने दावा किया है कि उनके पास JNU और जामिया की बीमारी का शर्तिया इलाज है। ये JNU और जामिया इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लड़ रहे होते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई इलाज नहीं लगा पाएगा। मेरठ की जिस सभा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने JNU और जामिया के इलाज का फॉर्मूला बताया उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। बालियान ने अपने बयान पर खूब तालियां बटोरी लेकिन उसी बयान के लिए वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए। सर जिस तरह से संजीव बालियान का बयान आया कि 10% पश्चिमी यूपी के लोग जामिया में और JNU में अगर हो जाएं तो उनका इलाज हो जाएगा, उनको गलतफहमी है। उनका कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोगों का कैरेक्टर ऐसा नहीं जिस तरीके का वो सोच रहे हैं। JNU के अंदर अभी आपने क्या कमी छोड़ दी है, लड़कियों के सर फाड़ दिए आपने, इस तरीके के नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर लोगों के अंदर राजनीति से नफरत पैदा कर रहे, राजनीतिज्ञों की इज्जत खराब कर रहे। ये राजनेता होने के MP और MLA बनने के काबिल लोग नहीं है जो इस तरीके के बयानात देते। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे को। एक तरफ नागरिकता कानून को लेकर खमासान मचा है, दूसरी तरफ JNU और जामिया जैसे संस्थान अपनी उग्रता को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में संजीव बालियान के इस बयान के क्या मायने हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल तो सवाल चर्चा में है कि पश्चिमी यूपी को आरक्षण से JNU और जामिया का इलाज कैसे हो सकता है। मेरठ से मनव्वर चौहान, दिल्ली से अमित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस रिपोर्ट के अंदर 10% आरक्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों का जेएनयू और जामिया के अंदर करने का मौका मिले या उनको आरक्षण दिया जाए, उसके बाद में दोनों यूनिवर्सिटीज ठीक हो जाएंगी। थोड़े से मेहमानों के तारुफ में करेक्शन के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में शुभांशु शेखर जी, लेफ्ट छात्र नेता हैं, और मनोज पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। मनोज पंडित जी, शुरुआत इसी से, मायने क्या है संजीव बालियान के इस बयान के? मायने सीधे सीधे हैं, जो एक ही विशेष वर्ग के लोग जिनकी संख्या वहां बहुत ज्यादा है, आप देखिए ना इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, ये सिर्फ जामिया और जेएनयू में ही क्यों हो रहा है और यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण तो ये है कि जब एक पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है और उनको सिर्फ ये लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, पर लेकिन जहाँ भी जितने शिक्षण, ये तो अनार्किज्म है ना, ये तो अनार्किज्म है, ये इस तरीके से बयान देना। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग गुंडागर्दी करते हैं, वो आकर के बल के प्रयोग पर दोनों जगहों पर गुंडागर्दी नहीं करते हैं, पर लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को भाषा समझ ही नहीं आ रही ना। अब आप बताइए, जब एक भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा ना आपको। आप बताइए, 33 दिनों से ये लोग करना पड़ेगा कि ये जो बयान दिया गया है वो अज्ञानता से भरपूर है। आपको पता है कि कौन फर्जी डिग्री के आधार पर अभी मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं? डिग्री नहीं है किसी के पास, और डिग्री भी है तो इस कोर्स की है जो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये चीजें जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे ही नहीं, वहां का वातावरण देखेंगे नहीं, शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ जानेंगे नहीं, तो ऐसे बेतुके बयान देना लाजमी है। नहीं, और जैसे कि आपने बोला, आप जैसे कि आपने बोला यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए नहीं होती। वहां आप क्या कर रहे हैं, आप हर क्षेत्र के प्रत्येक लोग होते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, केरल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, हर प्रांत से लोगों के। और जेएनयू में भी ऐसा प्रणाली पहले से है, जहां पर अगर अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कोटाइल पॉइंट्स दिया जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं, ताकि जो विकसित नहीं हो पाए हैं जिले, वहां से जो भी लोग शिक्षित हो पे आए हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए, दिल्ली जैसी जगह में पढ़ सके और अपने भविष्य के साथ साथ अपने समाज का, अपने गांव का, अपने जिले का भविष्य भी साकार कर सके। तभी वो 45 साल तक उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती। अरे भाई, मैं पीएचडी कर रहा हूं, आपको पता है, पीएचडी कर रहे हैं ना? हां बिल्कुल, मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो क्या उम्र की बात बताओ ना, वहीं पे शादी होती है, वहीं पे बच्चे होते हैं, ये कौन बोला है? कुछ होता है। आप जेएनयू गए कभी? क्यों नहीं गया? अरे भाई, मैं जेएनयू गए हूं। आप जेएनयू गए तो पता होगा कि पहले पीएचडी करने से पहले आपको एमफिल करना होता है, एमफिल से पहले एमए करना होता है, एमए से पहले बीए करना होता है, और बीए से पहले आपको 12th करना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12th ना करेंगे और बीए कर लेंगे, और बीए ना करेंगे। क्या बच्चे की उम्र 45 साल हो जाती है? जी, शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता, एक तो पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो इन नेताओं में नहीं है। इसलिए वो छात्रों को विलन मानते हैं, इसलिए वो छात्रों को गुंडा मानते हैं, इसलिए वो छात्रों को देश के है, देश का नेता बनाने में थोड़े हुए हैं। नेता तो बाहर से है। ये बीए होता है 3 साल का, आपको सबके जानकारी के लिए बता दूं। एमए होता है 2 साल का, एमफिल होता है 2 साल का। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली अगर चेंज करनी है तो अब सरकार है, उसे चेंज कर सकती है। मगर सुभाष शंकर जी, एक सवाल है जो लोगों की तरफ से उठ रहा है, जब किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर इस किस्म के बयान आना बहुत ही स्वाभाविक है। अब वो बयान कितना जायज है, कितना नाजायज है, कितना ठीक है, मोदी का लोग अगर वहां पर जाएंगे तो माहौल अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरा भारत बसता है, जिसमें साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, और यहां तक लक्षद्वीप के स्टूडेंट पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज है? आप ये कर रहे हैं ना, तो आप मुझे बताइए, इंडिया का जो स्वरूप है तो सही, इनको ये समझ में आता नहीं है कि ऐसे कैसे हो गया कि लोग शिक्षित क्यों हो रहे हैं, अशिक्षित हो रहे हैं, तो अपने सवाल क्यों रख रहे हैं? इसलिए सवाल रखेंगे तो वो देश का दुश्मन करार कर दिया जाएंगे, अगर वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो बोला जाएगा कि तुम गुंडे हो, और उनको गुंडों के तहत
उनको ये बोला जाएगा, पीटा जाएगा, खड़े उनके सर पे हमला किया जाएगा, आजादी चाहिए आपको, कौन सी आजादी की बात करते हैं आप? पुलिस ये बताइए किस आजादी की बात करते हैं? आजादी की बात आपको देश तोड़ना आजादी होती है जी? देश तोड़ कौन रहा है ये सबको मालूम है। जो आज सरकार है वो धर्म के नाम पर तोड़ रही है, ये मंत्री जो महोदय आए वो क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। हम शिक्षा की आजादी, अगर आप नहीं समझ पाए आज तक, हम शिक्षा के तहत एक आजादी लेना चाहते हैं कि हमें जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं उसके आधार पर वो ज्ञान तभी पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, समाज को एक विकसित समाज बना सके और भी शिक्षित बना सके। अगर अगर ये हिंदुस्तान नारे वाले हैं, सब डॉक्टर आधार रहते हैं, आपको एक नया दुश्मन चाहिए, काम चाहिए और दुश्मन बनाना चले, इंटेलेक्चुअल का दुश्मन बनाना चले, क्योंकि आपका प्रथम दुश्मन वही है जो ज्ञान की बात करे, जो सवाल करे, जो डेमोक्रेसी का, मैं कहना चाहता हूं कि सारा ज्ञान इन दोनों यूनिवर्सिटीज में बता दे, इसके अलावा कोई जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है वहां तक वो शिक्षा पहुंचाए वो आपका देश का दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शिक्षित होगा तो वो सही और गलत के बीच का फर्क जान पाएगा, अगर कोई शिक्षित होगा तो अपने सरकार से सवाल कर पाएगा जिसने उसको वोट दिया है, अगर कोई शिक्षित होगा तो आगे वाले भविष्य को कल्पना कर सकेगा, अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकेगा जिसमें सब एकजुट साथ में रहेंगे, देश का कोई भी प्रांत हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो। तो सुभाषु शेखर जी, शिक्षित होने का यह मतलब है क्या कि आप टुकड़े टुकड़े होंगे? जी टुकड़े टुकड़े मतलब आरोप तो लग रहा है ना, अभी अभी आरोप तो लग रहा है ना आपके ऊपर, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अभी मैं एक खबर बताता हूँ, आरटीआई के आधार पर होम मिनिस्ट्री से पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो ये बार बार वो एक अलग पहलू है, टुकड़े टुकड़े गैंग एक अलग पहलू है, नहीं है वो गैंग कौन सा है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मगर ऐसे नारे तो लगे हैं तो भाजपा ऐसे नारे लगे ना, ऐसे नारे तो लगे, कोई नारे नहीं लगे, सब डॉक्टर वीडियो, अगर कोई नारे लगा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार तो कार्रवाई नाकामी है, गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, कितने साल हो गए बताइए, अगर कोई दोषी को सजा दे पाए तो बताइए, अगर कोई दोषी को सजा दे पाए तो हिंदुस्तान में कोई भी अगर ये बताइए ऐसे नारे लगाता उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं मिल पाई क्योंकि सबूत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वीडियो चलाए गए, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए गए, क्योंकि एक नया दुश्मन बनाना है, दुश्मन ने बना दिया नया दुश्मन, अब बना रहे छात्रों को कि छात्र ही देश का दुश्मन हो गए, भाई छात्र पढ़ाई करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, अब छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, शोर मचाने की बात नहीं है सर, आप ये समझिए शिक्षा हमारे देश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते इसलिए ऐसे मंत्रियों को भी उच्च पद पे ले जाते हैं तो ताकि उनके तरफ समाज देख सके, समाज सीख सके, समाज ऐसे सीखेगा, इन मंत्रियों से समाज सीखेगा, समाज अगर कोई सीखेगा तो उन लोगों से सीखेगा जो शिक्षा देते हैं, जो शिक्षित होते दूसरे लोगों को शिक्षित करने का हमारा रखते हैं, एक विजन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता, वो कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, अरे पिछली सरकार में भी वालियान जी मिनिस्टर थे, आपको पता है चुनाव जीत के आए आदमी, चुनाव सरकार में मिनिस्टर है वो आदमी, चुनाव जीतने के बाद तो एक जिम्मेदारी बन जाती है ना, फिर आप जिम्मेदारी आप कहते हो तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होके ऐसे सवाल ऐसे जो ऐसे बयान देना, बेतुके बयान देना, और हमारे जो गृह मंत्री बोलते हैं टुकड़े टुकड़े बैंक को सबक सिखाना है, अगले दिन हमला करा देते हैं कैंपस में, जामिया पे हमला कराया गया, पुलिस से जेल में हमला कराया गया है, एवेन्यू पे हमला कराया गया है, क्यों लोग लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको देश का दुश्मन बनाना है, अरे देश की दुश्मन तो वो लोग हैं जो देश को आज टुकड़े टुकड़े करने के लिए नया पॉलिसी लेके आ रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे करते हो, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे करते हो, ना हम धर्म के नाम पे करते हैं ना हम क्षेत्र के नाम पे टुकड़े टुकड़े करते हैं, अगर हमारा एक विजन है तो वो यही है कि शिक्षा हर एक गांव तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, और हर एक व्यक्ति को सपना रख सके कि वो भी शिक्षा आप शिक्षा पहुंचाने का है, बिल्कुल शिक्षा जमाने वाले करते हैं, क्या पहुंचाने का काम, हम तीन महीनों से एक मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो किस लिए ताकि अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके, फीस कम हो सके, ताकि गरीब का बेटा वो एक सपना देख सके कि वो शिक्षित होकर एक नया भविष्य बना सकता है, अपने साथ साथ परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, ठीक है, मगर 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 मनोज पंडित साहब, मनोज पंडित जी, संजीव बालियान के इस बयान से क्या जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं इन दोनों यूनिवर्सिटी में, क्या उन्हें एक मौका नहीं मिलेगा, एक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि साहब यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है या यहां पर अब थोड़ा सा गुंडागर्दी दिखाई जाए, क्या इस चीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जब्बार भाई, गुंडागर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका उनका जो कहने का उद्देश्य था, उनका जो उसका असर क्या होगा, नहीं उसका भड़काऊ बयान के, अभी जो लोग जिन लोगों को ज्यादा
अभी क्या है सर, इन लोगों के जो दिमाग ठीक नहीं है ना। अरे मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं खुद छात्र हूँ, एंट्रेंस निकाला हूँ, एंट्रेंस होता है जेएनयू के लिए। तब बोल रहे हैं आप, तब बोल रहे हैं आप, एंट्रेंस नहीं होता है जब बोल रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, पूरा देश, पूरा भारत, कहीं से भी कोई भी एंट्रेंस दे सकता है। 10 लाख लोग स्टूडेंट जो है एंट्रेंस देते हैं, एग्जाम देते हैं, तब कोई जेएनयू में जाता है या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है। उसके क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया है नहीं। जामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट देता है, आपको पता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े तो वही नहीं पढ़े, इसलिए मंत्री बन जाते हैं, कोई गृह मंत्री बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही काम कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर इन्होंने जामे की बात की, इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ये पूरा राइट है कि वो एजुकेशन माइनॉरिटी सेक्शंस में फैला सके, ये फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट में लेकिन आप उनको पढ़ाई नहीं है, समझ आप जेएनयू में बताऊं, अब एजुकेशन में नहीं है हिंदुस्तान में। एक सेकंड, सिर्फ मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाथ पर प्रदर्शन हो रहा है तो ये बात क्यों नहीं होगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाए? नहीं, ये एक वाजिब सवाल हो सकता है, लेकिन वो वाजिब सवाल कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सरकार का पहले ही एक एजेंडा रहा है कि एक छात्र को दुश्मन बनाया गया है, छात्र का दमन किया जाए, छात्र अगर अपनी बात रख रहा है तो उसे क्रिमिनलाइज किया जाए, उसे गुंडा बोला जाए। एक आदमी का नाम है क्या? और मुझे ये बताइए, अरे छात्र समुदाय है, छात्र समुदाय है, आप में से है बिल्कुल, हमारे बच्चे जेएनयू में नहीं पढ़ते हैं। तो आप मान क्या रहे हैं बच्चे? हम तो मान आप रहे तो हैं उनको दुश्मन मानते हैं। अगर नहीं मान रहे होंगे तो दुश्मन मानते हैं, इसलिए गुंडों से पिटवाते हैं। आप तो उनको दुश्मन मानते हैं, इसलिए पुलिस से पिटवाते हैं। लाइब्रेरी में कौन पढ़ रहा था? विद्यार्थी तो पढ़ रहा था कोई, लाइब्रेरी में और कौन जाता है? लेकिन वहां पे टियर गैस शेल जो छोड़े गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, और जो गर्ल्स वॉशरूम के अंदर तक जाकर पिटाई करी है, एएमयू में एक लड़के का हाथ चला गया है, उसके ब्लास्ट हुआ है उसके हाथ में, पेट्रोल बम बना के आप पेट्रोल बम में टीयर गैस शेल चला गया बना के पुलिस को, जामिया की एक पत्थरबाजी की, आपने एक तोड़ा, आपने कांड किए, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसके दोनों हाथ टूट गए हैं अभी, पता है आपको? क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ही ऐसी है, वो छात्र को दुश्मन बनाकर उन्हें मारना चाहती है, उनको खत्म करनी चाहती है। लेकिन छात्र इस बात से नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अपने विचार में विश्वास रखता है। अब जितना दबाएंगे ना, उतना ही आपको सहन करना पड़ेगा। जो छात्र शक्ति आपको है, फ्रीडम जो छात्र ताकत आप कुछ भी करें, आप फ्रीडम देने वाले होते कौन है? आप पाकिस्तान हमको फ्रीडम दिया, संविधान हमको फ्रीडम दिया, आप देने वाले कौन होते हैं? कोई अमित शाह, कोई नरेंद्र मोदी, कोई आप भाजपा नेता हमें फ्रीडम नहीं देता, इसीलिए फ्रीडम देता है, क्योंकि हमारा संविधान है। संविधान का नाजायज फायदा होता है क्या? संविधान नाजायज छात्र को ही नया दुश्मन बना लिए, सिर्फ देश का दुश्मन है भाई। छात्र जो पढ़ रहा है वो आज देश का दुश्मन हो गया, जो देश को तोड़ने वाला है। छात्र को AK-47 लेके अपने कैंपस में रहता है, ये इनका इमेजिनेशन है। सवाल तो ये भी है, सुभाषु जी, सवाल तो यही है, सुभाषु शेखर जी, सुभाषु सिंह जी, मनोज पंडित जी, सुभाषु जी, सवाल ये भी है कि क्या यूनिवर्सिटीज के छात्र राजनीतिक मोहरे नहीं बन रहे? जी बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ा आरोप लगता हुआ पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में जेएनयू और आजादी जामिया के अलावा यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, वो छात्र कर रहा है, आप सिर्फ ये बताइए, इंदिरा गांधी के जनशाही रूप में जो रूल आया उसके खिलाफ लड़ने वाला सबसे पहले छात्र आंदोलन। मैं कहता हूँ आज भी छात्र आंदोलन उतना ही जिंदा है। आप ये बताइए, आज छात्र राजनीति नहीं है, छात्र क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो सही गलत का जिम्मा जानता है, सही को सही और गलत को गलत। बताओ मुझे, सही को आप गलत एक आदमी बताओ मुझे। अरे भाई देश की जनता खड़ी, हमें कोई नेता वेता की जरूरत नहीं है, नेता की जरूरत नहीं आपको, कोई नेता की जरूरत नहीं है। जितने बड़े बड़े नेता आ जाए ना, जितना भी धमका ले, कोई छात्र नहीं, और जामिया के अलावा मुझे एक आदमी बताइए। अरे बहुत क्योंकि आप गलत हैं। अरे आप कोई आप सब खड़ा नहीं, आप जानते ही नहीं है, हर एक इंस्टीट्यूशन IIT मद्रास से लेकर IIT दिल्ली, IIM, एम्स,
अब मैं कितना गिनाऊं आपको, मैं दिखा दूंगा, रिकॉर्ड में दिखा दूंगा, जो सॉलिडरिटी स्टेटमेंट्स हैं, सारा छात्र समुदाय, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं, किसी भी कॉलेज का, लड़ने की हिम्मत नहीं है सरकार को, इसलिए वो ऐसी बात बेतुकी बात करती है, इसलिए वो देश का साथ नहीं है। अरे हाँ, आपको समुदाय की ताकत का एहसास नहीं है, अरे आपको छात्र को ताकत का एहसास नहीं है। सरकार जो है लोकतंत्र से बनी हुई है, हमने वोट दिया तब बनाया है सरकार, कोई ऊपर से नहीं आई है सरकार, और उस सरकार को हम चेताना जानते हैं कि हमारे हक क्या है और हमारी लड़ाई क्या है, और उस सरकार को जवाब देना होगा। हमने रोका, हम इसलिए हम सड़कों पर हैं, इसलिए हम सड़कों पे हैं। रोक आप रोक कैसे सकते हैं? आप तो पुलिस के डंडे से ही रोक सकते हैं, आप तो टीयर गैस शैल ही डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो विचारों का लड़ाई है, हमारा जो लड़ाई है वो इंक्लूसिव शिक्षा प्रणाली का लड़ाई है, हमारा जो लड़ाई है वो देश शिक्षित हो सके, समाज शिक्षित हो सके, उसका लड़ाई है सस्ती शिक्षा का लड़ाई है, लोकतंत्र जो संविधान पर बेस्ड है वो आ सके, इन रियलिटी हमारा वो लड़ाई है। लेकिन एक सवाल ऐसे में मनोज पंडित जी ये उठता है, सवाल ये कि क्या अब अभी तक जो सोशो इकोनॉमिक आधार पर जो जिस आरक्षण की व्यवस्था थी, अब सोसाइटी के आधार पर, जाति के आधार पर, अब क्षेत्रीय आधार पर भी क्या रिजर्वेशन दिया जाए? ये एक मुद्दा सामने आ रहा है, एक नया शोषण छोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये बोला कि जब एक समुदाय के लोग ज्यादा है वहां पर और वो चीजें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं है, आप वो चीजें सब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जेएनयू में किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा है, उनको बताएं, बताइए कौन से समुदाय के ज्यादा लोग हैं, बताइए कि जामिया में 50% रिजर्वेशन है वहां पे। अरे जामिया माइनर इंस्टीट्यूशन है, एएमयू माइनर इंस्टीट्यूशन है, आपको इतिहास पता है, ठीक है, जामिया का योगदान रहा है आजादी में, बिल्कुल भारत की आजादी में योगदान रहा है जामिया का, पता है आपको? आज मिस गया, आपको पता है मौलाना, आज आप आपको पता है मौलाना आज राजनीति पार्टी ने आपको माहौल बना रखा है ना, आपको पता है पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, पता है आपको पहले एजुकेशन? हाँ, तो उन्होंने क्या स्थापना किया, जामा की स्थापना किसने किया? मौलाना जन, उन्होंने किया। हाँ, तो आप उनके खिलाफ बोलेंगे? खिलाफ हमने कभी नहीं बोला, हमने क्या बोला? पर लेकिन आप उनके खिलाफ है, तभी तो आप शिक्षा के खिलाफ है, जो पहले शिक्षा मंत्री हम खिलाफ है, कहना चाह रहे तो उसने शिक्षा में है, शिक्षा से किया है हिंदुस्तान में आजादी में योगदान है, आजादी का अगर किसी को नहीं पता तो, और जो आजादी में अंग्रेजों के पिट्ठू थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है वो आज देश में राज कर रहे हैं, इसलिए उनको दिल में बेचैनी होती है, ऐसा कैसे हो गया? लोग जो आजादी में लड़े थे आज फिर से लड़ रहे हैं, वही लोकतंत्र और वही संविधान की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके मन में बेचैनी होती है, उनके सीनों में सांप लौटते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने हकों की बात कर रहे हैं, और अगर हमें हक नहीं मिलते तो हम सड़कों पर जाते हैं, और डेमोक्रेटिक तरीके से ही हम डेमोक्रेसी लेना भी जानते हैं, कोई डेमोक्रेसी देता नहीं है, कोई सरकार की ताकत उसे देगी नहीं, और सरकार की ताकत आई है तो वो हमारे हिस्से में आई है, हमारे हिस्से से आई है, हमारे योगदान से आई है, हमारे वोट से आई है। मगर सुभाषु जी, क्या 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 डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पर, लोकतांत्रिक देश के नाम पर किसी तरह से किसी भी चीज की आजादी के नारे लगाए जाएंगे? कश्मीर की, फ्री कश्मीर की बात पोस्टर्स के जरिए क्या इस प्रोटेस्ट में देखी नहीं गई है? क्या यहाँ पर जिन्ना वाली आजादी जैसे बातें सामने, घर से वो डॉक्टर है या नहीं है, मगर ये सारी चीजें तो सामने आई है। फ्री कश्मीर को मेरे ख्याल से जो लड़की थी उसने क्वालिफाई भी किया है कि जो अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेट की वजह से या कर्फ्यू टाइमिंग्स की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, उसके इस खिलाफ एक स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने फ्री कश्मीर लिखा था, ये क्वालिफाई किया है जो प्रोटेस्टर्स थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप नैरो डाउन कर देंगे, आप उनको वही मुद्दा बनाएंगे, लेकिन जो मुद्दा है आज वो पहला मुद्दा जो हमारा शिक्षा अफोर्डेबल शिक्षा का था कि सभी को एक सक्षम। मनोज पंडित जी, आप समर्थन करते हैं संजीव बालियान के उस बयान को? और दूसरा आप समर्थन करते हैं? अरे हम लोग, और दूसरा ये जो आज नागरिकता हमारी पार्टी का जिम्मेदार आदमी ने बयान दिया है, गलत बयान नहीं है, ठीक बयान है क्या भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या क्यों ठीक है बताइए, रीजन, लॉजिक? ठीक इसलिए है कि जब तक आप किसी भी चीज को बैलेंस नहीं करेंगे ना, आप अभी आपने क्या बोला, अभी जेएनयू में जो बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट क्या उनको सपोर्ट नहीं करती? आप 12 रुपए में, 15 रुपए में पूरे महीने के लिए आपको रूम मिलता है वहां पे, 10-15 रुपए में खाना जानते ही नहीं है, 12-15 मिलता है क्या? कितने रुपए मिलता है आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपका फैक्ट बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये गलत फैक्ट है। क्यों, कितना मिलता है वहां पे, वो जो वहां पे वो है रूम, कितना? 2500 का खाने का बिल आता है महीने का, पता है आपको? अच्छा, 2500 में खाना मिलता है दिल्ली में कहीं? अरे मैस में,
हमें खाना मिलता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, फिर तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उसमें नहीं देती है क्यों? खाने पे हमको नहीं देती है गवर्नमेंट, रूम में तो देती है ना। अरे हॉस्टल में आपका जानकारी ही गलत है, हॉस्टल में देती है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारा मैच चलता है, उसमें 2500 से 3000 हॉस्टल मिलता है आपको? अरे हॉस्टल मिलता है तो किसी के जागीर है क्या? हॉस्टल मिलता है, किसने दिया है हॉस्टल? किसने नहीं दिया? हमने क्वालिफाई किया एग्जाम, हमने क्वालिफाई किया एग्जाम, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, इसलिए हमको हॉस्टल मिलेगा क्योंकि वो रेजिडेंशियल, क्योंकि वो रेजिडेंशियल कैंपस है। आप मुझे बताइए जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये बहस, ये तकरार जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे टीवी के स्टूडियो में, जाहिर तौर पर ऐसी ही बहस और ऐसा ही तकरार क्वालिफाई के आधार पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में जामिया और जेएनयू का जिक्र करते हुए संजीव बालियान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब 10% पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आरक्षण दे दीजिए, हम वहां जाकर के सुधार देंगे। हालांकि यह बहस अभी लंबे दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, एनपीआर को लेकर के, ऐसा लग नहीं रहा कि रुकने वाला, क्योंकि 4 हफ्तों का वक्त तो केंद्र सरकार को भी मिला हुआ है तमाम अर्जियों पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंतजार। बहरहाल करते हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शुभांशु शेखर जी और मनोज पंडित जी, आप दोनों लोगों ने वक्त निकाला और 9 टीवी के माध्यम से संजीव बालियान के बयान पर अपनी अपनी बातें और अपने अपने तर्क रखे।